पिछले वीडियो में हमने आपको लता दीदी और केएल सहगल साहब से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। इस वीडियो में हम उस जबरदस्त सिंगर की बात करने वाले हैं जिसने लता दीदी से पंगा लिया था। वो इंसान अपने धुन में जीता था। अपने दौर में जब सभी लोग केएल सहगल की कॉपी करते थे, तब इस इंसान ने खुद की शैली का विकास किया और उस शैली को महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने जन मन के दिल में बसा दिया। 30 और 40 के दशक में संगीत क्षेत्र में जिसका सिक्का खूब चला, उस गुलाम मुस्तफ़ा दुरानी ने लता मंगेशकर को छेड़ दिया था। स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। मैं हूं आपकी अनामिका और सुना रही हूं कहानी लता दीदी और जीएम दुरानी की पहली मुलाकात की कहानी। कुछ महीने पहले हमने जीएम दुरानी की बायोग्राफी बनाई थी, उसमें उनका नाम हमने गलत बोल दिया था। मुस्तफ़ा के जगह हमने मोहम्मद बोल दिया था। उनके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जीएम दुरानी अपनी कामयाबी, शोहरत और रईसगिरी के लिए जाने जाते थे। वो ऐसे सिंगर थे जिनके साथ नया म्यूजिक डायरेक्टर काम करने से पहले दो बार सोचता था। साथ ही ये भी बता दूं कि मोहम्मद रफ़ी इनके पीछे रहकर गाना गाते थे। वो किस्सा था 1948 और 1949 के बीच का। उस वक्त नौशाद साहब चांदनी रात नामक फिल्म के लिए संगीत रिकॉर्ड कर रहे थे। उस दौर के बड़े बड़े सिंगर्स के साथ उन्होंने एक फिल्म के लिए गाने रिकॉर्ड करवाए थे, जैसे अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम, टुनटुन। उनमें जीएम दुरानी भी थे। जीएम दुरानी को लता मंगेशकर के साथ रिकॉर्ड करना था। एक और नौशाद थे और दूसरी और दुरानी के साथ लता दीदी। और गीत के बोल ये थे, हाय छोरे की जात बड़ी बेवफा। इस गीत के रिकॉर्डिंग के दौरान दुरानी लता को छेड़ने लगे। ये देखकर नौशाद ने दुरानी को समझाते हुए कहा कि भाई संभाल के, लड़की नहीं है। पर दुरानी यहाँ रुके नहीं। अगले पल उन्होंने लता दीदी के पहनावे पर टिप्पणी की। वो बोले, तुम सफ़ेद चादर लपेटकर क्यों चली आती हो? इस पर लता दीदी समझ गई कि इस इंसान को बोलने की तमीज़ नहीं है। लता दीदी ने फैसला किया कि वे जिंदगी में कभी जीएम दुरानी के साथ काम नहीं करेगी। और यही हुआ। दुरानी के जीते जी लता दीदी ने कभी भी उनके साथ काम नहीं किया। 60 के दशक के बाद रफ़ी का ज़माना शुरू हुआ और जीएम दुरानी गायब होने लगे। कहा जाता है कि उनकी सारी संपत्ति लुट चुकी थी।